and it's also to contribute to them and help them out. So I think it's for a good cause and it's very entertaining. एब्सोल्युटली बहुत ही एंटरटेनिंग शो, अलग किस्म का शो है जहाँ पे अलग अलग टैलेंट्स देखने को आपको मिलता है एंड यू नो एक हौसला देता है कि आप कोई भी चीज़ में कोशिश कर सकते हैं. यू कैन बी गुड एट इट एंड यू कैन कम एंड शो इट ऑन दिस शो. तो इट्स अ वेरी इनकरेजिंग शो आई वुड से ऑल्सो. और बहुत मजा आया अनु जी के शेर सुनने के बाद. सर बोला बोला ये झेलती है और उसके मेरे नहीं मेरे सर मेरे प्यार है प्यार में मेरे साथ रहना नहीं चाहती और मेरे बिना जीना नहीं चाहती. एनीवे श्रद्धा ने आज बहुत खूबसूरत गाना गाया. शी एंटरटेन्ड अस एंड सिद्धार्थ डांस्ड ऑन राधा तेरी चुनरी. आई वाज सो हैप्पी टू सी हिम डांस वेल. But thanks for coming. You all were great. Thank we you. Had a lovely thank time. You, thank you, ma'am and sir. Thank but you. But I would say that मैं बताना चाहता हूँ सिद्धार्थ एंड श्रद्धा जो हमने शो में दोहराया है कि जो भी हमारे शो पर आता है और प्रमोट करता है अपनी फिल्म द फिल्म बिकम्स अ सुपर हिट. आई वुड से मोहित एंड एकता हैव अ सुपर हिट फिल्म ऑन द हैंड्स एंड यू बोथ वर फैंटास्टिक ऑन द शो. तुम दोनों और स्पेशली द वे यू सैंग दैट सॉन्ग गलियां एंड आई वुड से दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड. फिल्म इज कमिंग ऑन जून 27 यस और उससे पहले ये शो भी आएगा. यू मस्ट वॉच दिस शो. यू आर गोइंग टू लव एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा. देख घसीट के लेके जा रही है. नहीं इतनी जल्दी नहीं. हाँ बोलो जी, जी. आप क्या बोल आपको लगता है आपने फिल्म का प्रोमो देखा है. बहुत इंटरेस्टिंग है फिल्म एंड आई थिंक द स्टार कास्ट इज मेकिंग इट इवन मोर एक्साइटिंग एंड आई लव मोहित एज अ डायरेक्टर. आई थिंक ही इज मेड फैबुलस मूवी. सो आई एम डेफिनेटली फिल्म और मैंने तो उस पर एक शायरी भी मार दी थी. आप देखना सिर्फ जो श्रद्धा बोलती है ना ए विलेन उस पर जो मैंने शायरी मारी आप खाली शो के अंदर. नहीं 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 अभी बोलेंगे तो ऑन द स्पॉट चीज क्योंकि मैं फीफा देखती नहीं हूँ तो मुझे पता भी नहीं है कि वर्ल्ड कप का फाइनल्स कब था. बट आई ट्राई माई बेस्ट टू सेंड हिम. कब है फाइनल्स. 14 जुलाई. नो आई एम शूटिंग विद हिम ही कांट गो. अच्छा पर फर्क पर एक फर्क पर मिलना बड़े मुश्किल हो गया दीपिका के और सोनू के. हां जी सोनू के नहीं बेचारा सोनू तो दे देता है. दीपिका के डेट्स मिलना हां जी मुश्किल हो गया शूट के लिए. हां बट इससे एक विलन और एंटरटेनमेंट से इसका क्या फर्क है. आप किसी विलन से एंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या करवाना चाहेंगे आप दोनों से पूछेंगे. ये विलन के नाम पर ये मुझे क्यों देख रही है. आई थिंक आर विलन्स हैव बीन वेरी एंटरटेनिंग. हमारी फिल्मों में जो विलन्स होते हैं कभी कभी वो हीरो से ज़्यादा एंटरटेनिंग होते हैं. सो आई डोंट थिंक वी नीड टू मेक देम डू एनीथिंग देयर. जब हम स्क्रिप्ट भी लिखते हैं हम हमेशा सोचते हैं कि विलन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए तब हीरो का किरदार उठ के आएगा. सो आई थिंक आर विलन्स आर रॉकिंग. फरा फरा प्रीति के लिए क्या कहेंगे. ये देखो ये बाय बाय गाइस बाय बाय. वो सायराना अंदाज में कुछ आप बोल रहे थे. सिद्धार्थ एक मिनट. श्रद्धा का अंदाज बड़ा निराला है. श्रद्धा का अंदाज बड़ा निराला है और सिद्धार्थ बड़ा रंगीला है. दोनों एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा. शो पर आए हैं. शो डैम गुड है नशीला है. बाय बाय. थैंक यू सर. थैंक यू. हाँ जी अब हम ही बचे हैं. एक एक सवाल आपसे. हमने सुना है कि जो आप अरे साइलेंट यार हमने सुना है कि आप विलेन साइड पे आप विलेन है या नहीं है वो तो हम जानेंगे. वो जानते नहीं है फिल्म देखने के बाद पता चलेगा. लेकिन एक विलेन एंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या कर सकता है. एक विलन एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ कर सकता है. मोगैम्बो बन के उनको तेजाब में डाल सकता है. शाकाल बन के कभी शार्क्स के अंदर डाल सकता है. क्राइम मास्टर गोगो बन के आंखों से गोटियां खेल सकता है. तो आई थिंक हमारे विलन ने हिंदी पिक्चर में बहुत कुछ किया है लोगों को एंटरटेन करने के लिए. तो क्या एक गाना गा सकता है जैसे यू नो श्रद्धा ने गलियां अपना एक डेब्यू किया. एक विलन अभी यहां पर एक विलन गाना नहीं गा सकता. विलन सिर्फ एक्शन करते हैं गाना नहीं गाता. देखिए वो सिर्फ मैं माधुरी मैम के लिए करता हूँ. वो यहाँ पे नहीं है. तो हमारे कैमरे के जरिए माधुरी मैम पकड़ हो जाएगी. माधुरी मैम पकड़ हो जाएगी. नहीं ये आई थिंक श्रद्धा गाएंगी आज. श्रद्धा और मैं गाएंगे. जो मैं सिर्फ तेरी बोलूंगा और ये बाकी बोलेंगे. ये एक ही लाइन बोलूंगा. ठीक है तेरी बोलेंगे हर तेरी. ठीक है हर तेरी. मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन इस गाने में सिर्फ तेरी होगा. ओके रेडी. तेरी गलियां तेरी गलियां मुझको भावे गलियां तेरी गलियां. देखा ये हमें जुगल बंदी जो हमने डुएट सॉन्ग बना दिया इसको. तो हम एंटरटेनमेंट के लिए आप तेरी गलियां भी गा रहे हैं दोनों. सिद्धार्थ आपने बोला कि एक विलन
विलन तो कुछ भी कर सकता है एंटरटेनमेंट के लिए, सिद्धार्थ पर्सनली एंटरटेनमेंट के लिए क्या कर सकता है? मैंने पर्सनली जो गाना गाया है ये पर्सनली गाया है, अपने अपने खुद गाया है, मैं अपनी जुबान से गाया है, अभी एंटरटेनमेंट के लिए गाना गाया है। तेरी बोला है गाना, तेरी गाना ही गाया हो, तेरी आप सुर में बोले तो तेरी बोला, तेरी के आगे आगे मैं कुछ और भी लगा सकता हूँ अभी, बट उनका यूनिक स्टाइल है। करेक्ट, विलन ऐसे ही गाते हैं, विलन ज्यादा शब्द नहीं बोलते, विलन कम बोलते हैं। ओके सिद्धार्थ, मेरा एक आखिरी सवाल है, हमने सुना है कि जो आपके कंटेम्पररी एक्टर हैं, हाँ जी, आप मतलब इग्नोर करते हैं, आप उनको अच्छे नहीं लगते हो, आपको ऐसा कुछ जो फैल रही है, ये जो फिक्शन लिखा जा रहा है इसका फैक्ट ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग सब बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोग सब एक दूसरे का काम देख के एक दूसरे को फ़ोन करते हैं, एंड वही वरुण को भी मेरे को हम्प्टी शर्मा की पिक्चर और ट्रेलर बहुत पसंद आया अभी तक, एंड आदित्य रॉय कपूर के साथ भी मेरी अभी भी दोस्ती बरकरार है, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा सिद्धार्थ, आपने बोला ये स्माइली ऐसा है कि इस पिक्चर में आप हंसना मना है, आपको स्माइल नहीं आएगी एक विलन देखने के बाद, आपको सिर्फ दुख होगा शायद, या मोहित सूरी स्टाइल दर्द और पेन और इंटेंस लव स्टोरी कैसे होती है वो देखने को मिलेगी। आपकी कोई लव स्टोरी है? अगर लव स्टोरी की बात की जाए तो आपकी मेरी कोई लव स्टोरी है? मेरी कोई लव स्टोरी नहीं है अभी, मेरी सिर्फ एक विलन कहानी है। और अगर इन फ्यूचर होगी तो फिर? अगर इन फ्यूचर होगी तो फिर तो क्या होगा? कौन है वो? अगर मेरे फ्यूचर में कोई होगी तो कौन होगा? स्पेशल वन। देखिए मैं वो उनकी तरह अक्षय की तरह नहीं हूँ जिसको फ्यूचर देखना आता है, वो करना आता है, मेरे को मेरा फ्यूचर पता नहीं है। ओके श्वेता, आर यू गोइंग फॉर वेकेशन आफ्टर दिस हेक्टिक प्रमोशन ऑफ द विलन? ऐसा कोई भी प्लान नहीं किया है, क्योंकि इसके बाद इमीडिएटली मैं ABCD2 शूट करने वाली हूँ, तो कोई वक्त नहीं मिलेगा मुझे कोई वेकेशन लेने का। थैंक यू गाइस, थैंक यू गाइस, क्या कर रहे हैं? चल आटा वही तो आप।